रिवेंज या बेपनाह मोहब्बत एपिसोड नंबर 12। अंशुमन रुद्राक्षी को बेहोश देखकर घबरा जाता है। डॉक्टर अंशुमन को बाहर जाने को बोलते हैं। अंशुमन वहीं बाहर बैठ जाता है। डॉक्टर शौर्य को कॉल करते हैं। शौर्य और सांझ डिनर कर चुके थे। वो रेस्टोरेंट से निकल रहे थे। शौर्य के पास जैसे ही डॉक्टर का कॉल आता है, वैसे ही शौर्य के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। शौर्य कॉल पिक करता है। वहाँ से डॉक्टर कहते हैं, सर मिस्टर रुद्राक्षी बेहोश हो गई हैं, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। शौर्य कहता है, ओके आई एम कमिंग। सांझ कहती है, क्या हुआ शौर्य? तो शौर्य सांझ से कहता है, हॉस्पिटल जाना होगा। सांझ कहती है, क्या हुआ? शौर्य और सांझ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। शौर्य रुद्राक्षी को चेक करता है। सांझ कहती है, शौर्य क्या हुआ है? शौर्य कहता है, कुछ नहीं सांझ, रुद्राक्षी ठीक हो जाएगी, बस वीकनेस है, होश आ जाएगा उसे। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं जा रहा हूँ। कुछ ही देर में सांझ रोते हुए कहती है, शायद मुझे ध्यान देना चाहिए था। वहीं अभी तक रुद्राक्षी को होश नहीं आया था, बहुत देर हो चुकी थी। वहीं अंशुमन रुद्राक्षी की ये हालत देखकर घबरा गया था। वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर उसका सामना अपने पापा अमित जी से होता है। तो अंशुमन घबरा जाता है। अमित जी एक बहुत बड़े हार्ट सर्जन थे, पर उन्होंने सर्जरी परफॉर्म करना छोड़ दिया था जब से उनकी पत्नी अंजलि जी की डेथ हुई थी। अब अमित जी अपने पापा की डायमंड के बिजनेस संभालने में मदद करते हैं। वो उन्हीं का बिजनेस संभालते हैं। अंशुमन के परिवार में सिर्फ अंशुमन और उसके पापा हैं। उसके दादाजी की अभी कुछ ही समय पहले मौत हो चुकी है। अमित जी अंशुमन को घबराया हुआ देखकर कहते हैं, अब क्या किया तुमने? तो अंशुमन कहता है, कुछ भी तो नहीं पापा, बस मेरे फाइनल पेपर है ना, तो नर्वस हूँ। तो अमित जी कहते हैं, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो पेपर्स भी अच्छे ही होंगे। जाओ अपनी पढ़ाई करो और यहाँ वहाँ मत घुमा करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और खाना मैं रूम में ही भिजवा दूंगा। तो अंशुमन जल्दी से अपने कमरे में आ जाता है। अंशुमन अपने पापा को सब बताना चाहता था, पर अमित जी थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, इसलिए अंशुमन अपने पापा से डरता था। पर बेसिकली अमित जी दिल के बहुत साफ इंसान हैं। वहीं रुद्राक्षी को अभी भी होश नहीं आया था, तो सांझ का दिल घबराने लगता है। वो बेचैन होने लगती है। सांझ डॉक्टर से पूछती है, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं बताते। सांझ परेशान होकर शौर्य को कॉल करती है, पर शौर्य कॉल नहीं उठाता। शौर्य बिना कुछ कहे अपने ऑफिस आ जाता है और उसके पापा रणविजय जी शौर्य के केबिन में आते हैं और कहते हैं, काम हुआ? तो शौर्य एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, ये कहानी 10 साल पहले शुरू हुई थी, पर अब लगता है मेरे दिल को सुकून मिलेगा चाचा जी। तो रणविजय जी कहते हैं, शौर्य
तुम मुझे चाचा जी क्यों कह रहे हो? मैं तो तुम्हें बेटे से बढ़कर मानता हूँ, मैं तुम्हारा पापा ही हूँ। तो शौर्य कहता है, सिर्फ दुनिया के लिए, पर रियल में नहीं। आपने मेरा साथ इस खेल में बहुत अच्छे से दिया है, अब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। कि तड़पना क्या होगा, क्या होता है, एक आस देकर सब कुछ छीनना क्या होता है। उसे क्या लगा, वो अपने माँ बाप के कर्मों की सज़ा नहीं पाएगी। बिल्कुल पाएगी, उसके मम्मी पापा की वजह से ही। मेरे मम्मी पापा ने सुसाइड की। अगर 15 साल पहले सांझ के पापा मेरे पापा के ख़िलाफ़ वो झूठा आर्टिकल नहीं छापते तो मेरी भी एक हैप्पी फैमिली होती। शौर्य ये कहते हुए बहुत गुस्से में लग रहा था। शौर्य के पापा अशोक सिंह एक बिजनेसमैन थे, उनके कुछ इलीगल बिजनेस भी थे जिसके बारे में कहीं से सांझ के पापा विनोद जी को, जो एक पत्रकार थे, उन्हें पता चला तो उन्होंने अशोक जी के पूरे इलीगल कामों का चिट्ठा सबके सामने रख दिया। सबको यही लगा कि उस न्यूज़ आर्टिकल के कारण ही अशोक जी और संजना जी ने सुसाइड की है। यही बात बताई गई थी शौर्य को। अब ये क्या राज था, कैसे मरे थे ये लोग, ये तो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। वहीं बदला लेने के लिए 5 साल पहले शौर्य सांझ को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और रणविजय जी भी शौर्य के इशारों पर ही चलते हैं। रणविजय जी को पूरा प्लान बताता है और 5 साल बाद और ज़्यादा पावरफुल होकर सांझ को बर्बाद करने पहुंच जाता है। शौर्य एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, अब तुम भी तिल तिल मरोगी अपनी बहन के लिए, क्योंकि अब तो वो नहीं उठने वाली 1 साल तक, और हंसने लगता है। वहीं सांझ बार बार शौर्य को कॉल कर रही थी पर शौर्य कॉल नहीं उठाता। तो सांझ कहती है, पता नहीं शौर्य को क्या हुआ है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा, मुझे डॉक्टर से ही कुछ पूछना होगा। बट डॉक्टर भी उसको कुछ नहीं बता रहे थे। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं, ना रुद्राक्षी को होश आता है और ना ही डॉक्टर सांझ को कुछ बताते हैं। विधि भी पूछने की बहुत कोशिश करती है पर कुछ पता नहीं चलता। सांझ टूट जाती है। शौर्य भी उसके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था। सांझ रिक्वेस्ट करके एक डॉक्टर से कहती हैं, सर सर प्लीज़ हमें बताइए ना, हमारी बहन को हुआ क्या है, आपने आपने तो कहा था ना कि इस सर्जरी के बाद हमारी बहन ठीक हो जाएगी, पर उसकी हालत तो और ख़राब हो गई। डॉक्टर कहते हैं, हम कुछ नहीं बता सकते मैम, आप डॉक्टर SS सिंह से बात कीजिए, क्योंकि आपकी बहन का ऑपरेशन हार्ट सर्जरी उन्होंने ही की थी। तो सांझ अपने आंसू पोंछ कर सिंह इंटरप्राइज पहुंच जाती है और सीधा शौर्य के कैबिन में जाती है। उसे वहां कोई नहीं रोकता। वहीं शौर्य कहता है सांझ को देखकर, तो तुम आ ही गई जाने मन, कहो क्या हुआ। तो सांझ कहती है, शौर्य शौर्य आप हमारा कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, रुद्राक्षी को होश अभी तक नहीं आया है, आपने कहा था वो उठ जाएगी, पर 5 दिन हो गए उसे होश नहीं आया,
ऐसा क्यों हो रहा है? सांझ शौर्य का हाथ पकड़कर कहती है, आप अभी हमारे साथ चलिए, उसे चेक करिए। शौर्य सांझ का हाथ झटक कर कहता है, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, अपनी हद में रहो। और मुझे हाथ लगाना मत लगाना, समझी? और निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला, समझी? शौर्य का ये रूप देखकर सांझ का दिल मानो रोने का कर रहा था। सांझ के आँखों में आंसू भर आते हैं और वो भरी हुई आँखों से कहती है, शौर्य आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्लीज़ चलिए। शौर्य, छोटी को होश नहीं आ रहा है, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, अगर आप मजाक कर रहे हैं तो मजाक मत कीजिए। और आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं शौर्य? शौर्य हंसकर कहता है, अब तुम्हारी छोटी नहीं उठने वाली। ये सुनते ही सांझ का गुस्सा फूट पड़ता है और वो शौर्य के गाल पर एक चांटा मार देती है और गुस्से से कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी छोटी के बारे में ऐसा कहने की? शौर्य अपने गाल पर हाथ रखकर कहता है, तड़प रही हो, तड़पो, यही तो मैं चाहता हूँ, अब तुम्हारी बहन यूं ही लाश बनी रहेगी, ना वो जिंदा रहेगी ना वो मरेगी। सांझ शौर्य की बात सुनकर उसका कॉलर पकड़कर कहती है, ऐसा कौन सा गुनाह किया है हमने जो आप हमसे बदला ले रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब आप? बताइए हमें, बताइए प्लीज़। शौर्य अपना कॉलर छुड़वाकर गुस्से में सांझ को धक्का देता है, जिससे सांझ वहीं गिर जाती है। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। आप में से एक दो लोगों ने मुझसे बोला था तक कि इस स्टोरी में रिवेंज नहीं दिख रहा है। लो, मैं ले आई रिवेंज, और ये ऐसा वैसा रिवेंज नहीं है, ये काफ़ी ख़तरनाक रिवेंज है। तो आप इस स्टोरी को अच्छे से सुनिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला ट्विस्ट कैसा लगा। और मैं बताऊं तो इसमें जो सेकंड हीरो है रोहित, उनका भी कैरेक्टर मैंने अच्छा रखा है, पावरफुल है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको हमने जो शौर्य का रिवेंज वाला अवतार दिया है वो कैसा लगा आपको। तो मुझे पूरा यकीन है आपको मज़ा आएगा इस स्टोरी में आगे। तो मैं इस स्टोरी को पहले सोच रही थी कि मैं ना लिखूं क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे कंप्लीट तो कर ही सकती हूँ। मैंने इस स्टोरी में रिवेंज भी डाल दिया है आप लोगों के कहने पर, नहीं तो मैं इस स्टोरी को हैप्पी एंडिंग करने वाली थी, बट आपके लिए मैंने इस स्टोरी में रिवेंज डाला है और थोड़े बहुत अभी सस्पेंस बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि जो अंशुमन हैं और हमारी रुद्राक्षी हैं उनकी थोड़ी बहुत लव स्टोरी आप देखना पसंद करेंगे? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अंशुमन और रुद्राक्षी की लव स्टोरी चाहिए या नहीं, और हमारे सेकेंड हीरो रोहित और सांझ की लव स्टोरी आपको कैसी लगेगी अगर मैं दिखाऊं तो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों की राय के हिसाब से ही मैं स्टोरी लिखूंगी और आपको सुनाऊंगी। तो प्लीज़ 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 गाइस, आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी में आगे क्या क्या सुनना चाहेंगे और क्या क्या पसंद करना चाहेंगे। और मुझे लास्टली मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस स्टोरी में ये जो नया तड़का डाला है मैंने वो कैसा लगा, और मैं थोड़ा पास्ट भी बताऊंगी कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, और मैं काफ़ी धांसू स्टोरी बनाने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। लव यू बहुत सारा।